छत्तीसगढ़ में माओवादियों के द्वारा जो कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों पर घातक हमला हुआ है, उसकी हम बड़े ही जोरदार शब्दों में निंदा करते हैं। जिनकी हत्या हुई है उनके और उनके परिवार के प्रति हमारे संवेदना है, और जो घायल हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने इसकी निंदा की है। कल हमारे वरिष्ठतम नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से रात में ही फोन पर बात की थी, और अभी वे गंभीर रूप से घायल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विद्याचंद्र शुक्ला को देखने के लिए गुड़गांव के अस्पताल भी गए हैं। माओवाद देश के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, क्रूर हिंसा और हत्या में विश्वास करते हैं। अभी तक हजारों की संख्या में निर्दोष हिंदुस्तानी बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और बड़ी संख्या में अपने आदिवासी बंधु भी छत्तीसगढ़ में उनकी क्रूर हत्याओं के शिकार हुए हैं। हर राजनीतिक दल के नेताओं को देशभर में और छत्तीसगढ़ में उनके द्वारा टारगेट किया गया है। उसमें बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, कई वामपंथी दलों के भी हैं, टीडीपी के नेता रहे हैं, उनको ने टारगेट करने की कोशिश की है। हजारों की संख्या में सुरक्षा बल उनके हिंसा के तांडव के शिकार हुए हैं। आपको मालूम है उन्होंने कई आईएएस ऑफिसर्स को भी किडनैप किया है। नक्सलवाद, माओवाद देश के लिए गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री जी ने एक समय माओवाद को देश की सबसे बड़ी चुनौती बताया था। आज यह संकल्प लेने का अवसर है कि देश की एक सबसे बड़ी चुनौती के खिलाफ पूरे देश की लोकतांत्रिक ताकतें एक स्वर में बोलें। माओवाद की हिंसा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार के कुछ क्षेत्र, सब जगह इनका विस्तार हुआ है। और कितने ये क्रूर तरीके से हत्याएं करते हैं अपनी राजनीति के लिए। इसलिए इस चुनौती के खिलाफ पूरे देश को एक सामूहिक संकल्प लेने की जरूरत है। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस प्रकार से केंद्र को सभी प्रभावित प्रदेशों के साथ मिलकर एक समन्वित नीति बनाकर कारगर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, यह देश की आवश्यकता है। एक मुझे और बात कहनी है, देश के कई इलाकों में और विशेष रूप से दिल्ली में कई चिंतक, बुद्धिजीवी और समाजशास्त्री माओवाद के प्रति नरम रुख तकते हैं, उनके मानवाधिकार की बात करते हैं। आज की इस जघन्य हत्या पर वे खामोश क्यों हैं? एक सवाल उठाना चाहते हैं। और माओवादियों के मानवाधिकार की बात करने वालों से हमें एक सवाल पूछना है, जिस क्रूर हिंसा से आज उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की हत्या की, सुरक्षा बलों को मारा, पूर्व में बाकी लोग को मारते रहे हैं, तो जो मारे गए उनके परिवार का मानवाधिकार है भी नहीं है या नहीं, ये भी उत्तर हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। ये गंभीर चुनौती है। छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, आगे भी करती रहेगी, कोशिश देश को भी करना है। और हमें पूरा विश्वास है जब देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ताकतें एक स्वर में इसकी चुनौती का सामना करने के तैयार होंगी तो अवश्य इसका सार्थक नतीजा निकलेगा।